बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जड़ी बूटियों की पहचान का सिलसिला जो मैंने शुरू किया हुआ है, उसके सिलसिले में एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जावित्री के बारे में। नाज़रीन, जावित्री इसका उर्दू नाम है, मैक अंग्रेजी नाम है, नबाताती नाम इसका मेस्ट्रिका फ्रेग्रेंस हाउट है और खानदान इसका मेस्ट्रीसेसिस है। अरबी में इसको बसबासा, फारसी में बसबार, हिंदी में जावित्री और जलवत्री के नाम से भी जाना जाता है। माखज इसका नबातात है, यानी ये पौधा है। हसिस मुस्तमल हिस्सा इसका जो है वो फल का पोस्ट है, यानी जो इस तरह का फल होता है उसके जो ऊपर का छिलका होता है वो जावित्री कहलाता है। मुद्दत हयात इसकी 3 साल होती है। 3 साल के अंदर अगर इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक्सपायर हो जाती है। मिजाज इसका गर्म 2 दर्जा में और खुश 3 दर्जा में है। नफा खास इसका ये है कि ये मुजफ्फ रतूबात है, यानी ये रतूबात या जख्म जो होते हैं उनको खुश करने वाली दवा है। मुजर ये मसदा है, यानी ये जिस्म में जो है सर दर्द पैदा करती है। और बदल जो है इसका जायफल है और मसल्ला इसका, अगर इसके इस्तेमाल से कोई मुजर नुकसान हो जाए तो उसको दूर करने के लिए गुलाब या गोंद पीकर इस्तेमाल किया जाए तो इसके नुकसान से बच सकते हैं। मकदार खुराक इसकी 1 से लेकर 3 ग्राम तक इस्तेमाल की जा सकती है। नाज़रीन, ये एक मशहूर नबाताती फल जायफल का बैरूनी पोस्ट है, जिसे जायफल के खुश्क होने पर अलग कर लिया जाता है। इसकी रंगत सब्जी माइल लेकिन खुश्क होने पर सुर्खी माइल जर्द हो जाती है। ये वजन में हल्का और मजा में तेज खुशबूदार होता है। ये जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, मडगास्कर, चीन, कर्नाटक, मद्रास और मालाबार बेल्स इलाकों से दस्तयाब होता है। अफाल इसके बहुत सी हैं। ये मुफरा है, यानी फरहत व सरूर और खुशी पैदा करता है। हाजम ताम है, यानी खुराक को हजम करने में मदद देता है। मुहल्लल है, यानी ऐसी दवा जो जिस्म में तहलील करे किसी भी चीज को। मुफ्ता सुद्दा है, यानी ये सुद्दा को खोलने वाली है। मुजफ्फ है, रतूबात या जख्म को खुश करने वाली दवा है। मस्खन है, यानी गर्मी पैदा करने वाली दवा है। कासर रिया है, यानी जिस्म में जो इजाफी गैस पैदा होती है उसको खारिज करती है। मकी मेदा है, मकी वाह है, कुवत बाद होती है उसको ताकत देती है। मुहरकबा है, यानी बाद होती है उसको तहरीक देती है। मकवी व मुनका रहम है, यानी रहम जो होती है उसमें जो फासिद मादे होते हैं उनको दूर करती है और रहम को ताकत देती है। दाफे ताफन है, यानी ताफन को दूर करने वाली दवा है। नागरीन, इसको जोफे कल्ब के मरीज इस्तेमाल करते हैं। जोफे मीदा में इस्तेमाल किया जाता है, कुला में इस्तेमाल किया जाता है। लाल गम कहते हैं मुंह और जुबान के पोस्ट में जो पैदा होने वाले जख्म होते हैं उनमें ये मुफीद है। असाले कोहना, यानी पुराने जो दस्त होते हैं उनको दूर करती है। सर दर्द बार्द है और दर्द शकीका वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो इसको इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? कल्ब और मैदा की जोफ को दूर करने और गजा को हजम करने के लिए बतौर मसाला इसको इस्तेमाल किया जाता है। रहम की रतूबात जायदा को खुश करने और उसे तकवीत देने के लिए जाफरान के हमरा बतौर फर्ज जा इसको इस्तेमाल करना मुफीद है। मुंह की बदबू को दूर करने और इसे खुशबूदार बनाने के लिए इसको मुंह में रखकर चबाना मुफीद है। उज़्वे मखसूस को कवी करने के लिए इसके रोगन को बतौर तिला इस्तेमाल करना मुफीद है। जदीद तहकीकात से साबित हुआ है कि इसमें रोगन फरारी व कसीफ, मेरेस्टिक एसिड, मेरेस्टॉल, यूजिनाल, आइसो यूजिनाल और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मौजूद होती है। इसके मशहूर मरकबात जो है वो ज्वारिश, बसपासा, ज्वारिश जरूनी वगैरह है। नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा भी इस तरफ वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।